जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन में, जिसमें आज है दोस्तों डेट 26 सितंबर और 26 सितंबर 2024 की सुर्खियों में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या है कुछ खास, ये हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया मेरी वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है और आप सभी लोग आपके अपनी पोहा जलेबी वाली करंट अफेयर्स क्लास में उपस्थित हो गए, तो एक बार अटेंडेंस लगा दो जोश के साथ कि सर हम बिल्कुल क्लास में सही समय से यहां पर फिलहाल उपस्थित हो गए हैं। तो आज 26 सितंबर है दोस्तों, यदि मैं लास्ट लेक्चर की बात करूंगा तो हमने फेडरेशन कप या हम दोस्तों यहां पर बात करें तो विश्व के सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात की थी, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट की हमने बात की थी और ओम शेप्ड जो टेंपल है, ओम के आकार का मंदिर है उसकी हमने बात की थी। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा दोस्तों कि ओम के आकार का जो मंदिर है ये हमें कहां पर देखने को फिलहाल मिलने वाला है। आज का दोस्तों जो सेशन है इसमें हम वहां पर बात करने वाले इंदौर मनमाड़ रेलवे प्रोजेक्ट की, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स की हम यहां पर आज के सेशन में फिलहाल बात करेंगे, इसके अलावा राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग दोस्तों चैंपियनशिप की हम यहां पर बात करेंगे और फॉर्मूला वन में दोस्तों अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की यहां पर मध्य प्रदेश की खबरों के साथ में हम डेटा यहां पर डिस्कस करने वाले। और एक लाइन से दोस्तों क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी और एक बार नहीं कई बार होगी, और जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो भैया जो हारने का दौर है और उसी दौर में यदि जो जीतता है तो असली सिकंदर तो फिलहाल वही होता है। तो भैया ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से मेहनत करते जाओ और जो होमवर्क के टास्क है आप सभी को दिए जाते हैं इनको भी आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों जरूर यहां पर करते जाइएगा। चलिएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना की हम बात करें तो इसको अनुमति प्रदान की गई, जो भारत के किन दो राज्यों में रेलवे विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी लोग बताएंगे जो इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना की बात करें तो ये कौन से दो राज्य हैं जिनको यहां पर कनेक्ट करने वाली है। तो जो भैया आंसर यहां पर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश के साथ में, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों महाराष्ट्र दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही फिलहाल हो जाएगा। तो यदि मैं प्रेसिडेंट की दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की बात करता हूं तो इंदौर उज्जैन राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी इनके द्वारा यहां पर फिलहाल रखी गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यदि मैं इस परियोजना की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत 309 किलोमीटर, जिसमें 170 किलोमीटर दोस्तों मध्य प्रदेश में और 139 किलोमीटर महाराष्ट्र के अंतर्गत दोस्तों यह परियोजना हमें देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग लगभग 18,000 करोड़ रुपए यहां पर लागत भैया आने वाली है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर को महाराष्ट्र के मनमाड़ से दोस्तों फिलहाल यह परियोजना जोड़ने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण जिलों में बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा और खासतौर पर बेहतर संपर्क यहां पर स्थापित हो पाएगा। तो उसके अंतर्गत यह परियोजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं दोस्तों बात करूंगा तो बड़े लेवल तक लोगों का संपर्क दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में इसकी पहुंच भी हमें बेहतर दोस्तों देखने को फिलहाल मिल जाती है, यह कुछ पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे क्षेत्र, ऐसे केंद्र जहां पर प्याज की पैदावार हमें ज्यादा देखने मिलती है, नासिक हो गया, धुले, नंदुरबार है, तो यहां पर दोस्तों परिवहन की व्यवस्था भी काफी बेहतर, सुधार भी हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों हम बात करें तो मध्य प्रदेश 1362 करोड़ रुपए का योगदान यहां पर देगा, जबकि महाराष्ट्र वित्तीय रूप से योगदान यहां पर नहीं देने वाला है, जितनी भी धनराशि बाकी वो सारा केंद्र सरकार के द्वारा हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिलेगा। चलेगा अगले दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पाने वाले जो दीपक वर्मा, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश से किस जिले से दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो भैया जितने स्टूडेंट यहां पर एक बार भिंड वाले हैं ना, एक बार फटाफट सभी लोग बताओ, भिंड और ग्वालियर वाले, ग्वालियर वाले। तो यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करता हूं किसके, नेशनल इंस्पायर अवार्ड कंपटीशन की, तो यहां पर दोस्तों पहला स्थान जिन्होंने पाया दीपक वर्मा ने, तो इनका संबंध हमें मध्य प्रदेश से कहां देखने मिलता है, तो जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी दिया भैया, है ना, भिंड दिया है, वो आंसर उनका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार भिंड वाले भैया सभी लोग आंसर दे देना, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रख
रखना है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत दोस्तों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 10 के छात्र दीपक वर्मा का नाम आता है, जिनको पहला स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है। दीपक वर्मा ने दोस्तों स्मार्टफोन में जो सेफ विजन, यहां पर दोस्तों फिलहाल हम बात करें डिस्टेंस सेंसर की, तो यहां पर एक मॉडल उसके अंतर्गत यहां पर तैयार किया, जिसके लिए पहला स्थान इनको यहां पर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 11वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं इंस्पायर अवार्ड योजना 2022-23 की प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन भी किया गया था, जिसके अंतर्गत भोपाल जिले के अंतर्गत दोस्तों सागर पब्लिक स्कूल से रोहित नागर का नाम, कक्षा 7 के छात्र की बात करें दोस्तों तो यहां पर आरुष नाग का नाम दोस्तों है ना यहां पर देखने को मिलता है, जिनको फिलहाल दोस्तों ताप रक्षक सामग्री नामक प्रोटोटाइप के लिए यहां पर पांचवा स्थान मिला है। और बालाघाट जिले के अंतर्गत दोस्तों राजकीय उत्कृष्टता यहां पर माध्यमिक विद्यालय से दोस्तों यहां पर हमें फिलहाल छात्रा में सुरुमणि दहीकर का नाम देखने को मिलता है, जो कि कमल रेशम निर्माण की जटिलता को कम करने के लिए यहां पर प्रोटोटाइप के अंतर्गत इनको 31वां स्थान यहां पर फिलहाल प्राप्त हुआ है। चलिएगा अगला सो क्वेश्चन आपके सामने रहा कि किस संगठन ने, यदि मैं यहां पर विजियो नेक्स्ट की बात करता हूं, नामक फैशन पूर्वानुमान पहल की शुरुआत यहां पर की है, तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव की, जिसको हम यहां पर विजियो नेक्स्ट के रूप में फिलहाल जानते हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का एक बार फटाफट आंसर यहां पर कमेंट करके जरूर बता दें, सभी लोगों के कमेंट की थोड़ा रफ्तार बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहां पर आंसर भैया देते जाए, जिससे हमें समझ में आता जाए कि आप लोगों के अंदर यहां पर आंसर की एक्यूरेसी भी फिलहाल यहां पर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दोस्तों यहां पर आंसर दिया है, उनका जवाब दोस्तों यहां पर फिलहाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो फटाफट आंसर देते जाओ और बताते जाओ। ठीक है, चलिएगा। तो जिन्होंने आंसर यहां पर क्या दिया है, बी दिया है, उनका जवाब दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों विजियो नेक्स्ट, है ना। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो खास तौर पे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने को लेकर और भारतीय संस्कृति और डिजाइन को ऊपर उठाने को लेकर दोस्तों, है ना, यहां पर हमें इसका नाम देखने को फिलहाल मिल जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को मिलाकर दोस्तों यहां पर फिलहाल यह कार्य भी करने वाला है। और कपड़ा मंत्रालय के समर्थन से 2018 में दोस्तों विजियो नेक्स्ट की स्थापना हमें देखने मिली थी, जिसमें चेन्नई और दिल्ली में हब के माध्यम से यह फिलहाल यहां पर कार्य करता है और इसकी अलग अलग दोस्तों कार्यशालाएं और इसके अलावा शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी यह फिलहाल यहां पर प्रदान करता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना और मुझे जवाब देना कि किस वर्ष तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का यहां पर अनुमान है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है दोस्तों 2025-26, 30-31, 40-41 या फिर 2050-51। तो जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है, उनका जवाब दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2030 और 31 की यदि हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत दोस्तों S&P ग्लोबल की रिपोर्ट है इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग, है ना। यदि मैं यहां पर बात करूंगा दोस्तों इमर्जिंग परस्पेक्टिव की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत भारत दोस्तों 2030-31 तक तीसरे सबसे बड़ी दोस्तों अर्थव्यवस्था बनने की यहां पर पूर्वानुमान भी देखने को मिलता है, जो कि लगभग अभी 6.7% की दोस्तों यहां पर वार्षिक वृद्धि दर भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। 2024 तक का वित्तीय वर्ष में दोस्तों विकास की बात करें तो 8.2% पे ऊपर हमें यहां पर देखने को मिला था, जो कि सरकार के अनुमान से अधिक था। सरकार का अनुमान यहां पर 7.3% की वृद्धि देखने को यहां पर मिला था, जबकि केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को बनाए रखने को लेकर चालू वित्त वर्ष में दोस्तों यहां पर बजट 17% के बढ़ने का अनुमान भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुमान है, उसके अनुसार दोस्तों GDP का जो आकार है 2023-24 में 3.6
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030-31 में लगभग दो गुना हो जाएगा और लगभग 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अधिक हमें ये दोस्तों अनुमान यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिएगा अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने रहा कि किस राज्य ने समग्र नवीकरणीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चौथे वैश्विक अच्छे ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में सबसे अधिक पुरस्कार यहां पर प्राप्त किए हैं, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु है, गुजरात है और दोस्तों यहां पर हमें कर्नाटक का नाम दोस्तों यहां पर फिलहाल देखने को मिल जाता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देख सकते हैं जहां पर दोस्तों हमारे पास में नाम भी यहां पर मेंशन किया गया है, इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर, है ना। ठीक है, 16 से 18 सितंबर 2024 की यदि हम बात करेंगे तो इसका नाम दोस्तों हमें गुजरात के अंतर्गत फिलहाल देखने को यहां पर मिल जाता है। तो सभी लोग एक बार फटाफट आंसर दे दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फिलहाल गुजरात दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहूंगा दोस्तों कमेंट बॉक्स पे आप लोग गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर यहां पर दीजिएगा। चलिएगा, तो गुजरात की बात करें, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो की बात करें तो उसमें विजेता के रूप में दोस्तों हमें इसका नाम देखने को मिलता है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता सहित यहां पर इसने पुरस्कार फिलहाल जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि यहां पर मैं रेन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं तो उसकी उपलब्धि में भी हमें गुजरात का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलता है और सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान पर दोस्तों ये नाम हमें देखने को मिलता है, जबकि राजस्थान इस कैटेगरी में दोस्तों शीर्ष स्थान पर फिलहाल यहां पर बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखने हैं। तो आई होप ये कुछ दोस्तों डेटा है जो आप लोग यहां पर फिलहाल याद रख पाएंगे। चलेगा भैया, तो आई होप आपने ये डेटा भी यहां पर लिख लिया होगा। लिख लिया भैया, चलो सभी लोग बता देना। चलेगा भैया, आगे बढ़े, लिख पा रहे हो, समय मिल पा रहा है, एक बार बताते चलना दोस्तों, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते चलना। बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्लास में लेट आते हैं, तो क्लासेस का जो समय है वो दोस्तों 8 बजे रहता है, क्लासेस में आप सभी लोग समय से आया करो दोस्तों। ठीक है, चलेगा, है ना। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, जो कल की क्लास होने वाली है यानी हम 27 सितंबर की बात करेंगे तो इस क्लास का जो टाइम होगा दोस्तों सुबह 8 बजे ना होकर 12 बजे होगा, केवल एक दिन की जब हम यहां पर बात करते हैं, बाकी तो आपको 8 बजे क्लास यहां पर देखने को फिलहाल मिल रही है। सबसे अधिक पुरस्कार किसको मिले तो इसमें दोस्तों गुजरात का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है, अन्य राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक का नाम, जिनको यहां पर प्रत्येक को दो दो पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिसको प्रत्येक दोस्तों एक एक यहां पर पुरस्कार फिलहाल प्रदान किए गए हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की हम यहां पर दोस्तों बात करते हैं, समझिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे तो पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी में दोस्तों चाउबा देवी की जगह दोस्तों फिलहाल भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच भैया किसको बनाया गया है, यह आपको यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिप्लेसिंग फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर चाउबा देवी। तो इस क्वेश्चन का भैया जिन्होंने आंसर संतोष कश्यप दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यदि मैं दोस्तों संतोष कश्यप की बात करूंगा तो इनका नाम चाउबा देवी की जगह भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के तौर पे इनका दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो एक अच्छा खासा संतोष कश्यप का हमें यहां पर कोचिंग अनुभव देखने को मिल जाता है, लगभग एक दशक 10 साल से अधिक का समय। इसके अलावा मोहन बागान दोस्तों आइजोल की हम फुटबॉल क्लब की बात करें, मुंबई की बात करें तो इन आई लीग में भी टीमों का दोस्तों मैनेजमेंट इनके द्वारा हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिलता है। इसके अलावा सहायक कोच की बात करें तो इसमें प्रिया पीवी और गोलकीपर कोच के रूप में रघुवीर प्रवीण खानोलकर यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन है, जब मैं यहां पर बात करूंगा केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार ने म्यांमार
म्यांमार जो बॉर्डर है यहां पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए यहां मंजूर किए हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में भारतीय राज्यों से होकर यहां पर गुजरेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो भारत म्यांमार है इसकी दोस्तों फिलहाल जो बॉर्डर है यह हमें कितनी लंबी देखने को मिल जाती है, यह आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, जिसमें हम 1234 किलोमीटर की बात करें, 1643 किलोमीटर, 1852 है या 2000 किलोमीटर के आसपास। तो जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1643 यानी 1643 दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार बॉर्डर पर दोस्तों यहां पर बाड़ लगाने के लिए फिलहाल धनराशि भी जारी कर दी गई, जो कि लगभग हमें यहां पर दोस्तों कितने देख मिले 31,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें जिस हिसाब से दोस्तों अभी म्यांमार की हम दोस्तों बात करेंगे या फिर दोस्तों हम नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर की बात करेंगे, जिस हिसाब से वहां पर वॉयलेंस हो रहा है उसके बाद में यहां पर ये चीज देखने मिली, जिसमें यदि मैं बॉर्डर की बात करूंगा म्यांमार की तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ 215, मणिपुर के साथ 398, मिजोरम 510 किलोमीटर से दोस्तों यहां पर ये होकर गुजरता है, जिसमें 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का कार्य फिलहाल यहां पर पूरा हो चुका है, जिसके अंतर्गत मणिपुर में मोहरे के पास में लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का कार्य भी यहां पर पूरा हमें देखने को फिलहाल मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों फिलहाल जो फ्री मूवमेंट रेजिम है यदि मैं उसकी बात करूंगा तो उसको समाप्त यहां पर फिलहाल कर दिया गया। आप यहां पर मैप भी फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं, जिसमें ये म्यांमार है, इसकी बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम का नाम देखने को मिलता है, और 1643 किलोमीटर की ये दोस्तों भारत और म्यांमार की हमें बॉर्डर भी देखने को यहां पर मिल जाती है। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोग ये जरूर बताएं कि म्यांमार की दोस्तों फिलहाल कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल क्या है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर यहां पर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा भैया, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू काश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61% के अधिक मतदान वोटिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 35 वर्षों में भैया सबसे अधिक है, आप समझ सकते हो 35 ईयर में सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू काश्मीर विधानसभा चुनाव में 61% हमें देखने मिली। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ और वो लगभग 80% से ज्यादा हमें देखने को यहां पर मिल रहा, पुलवामा है, शोपिया है, किश्तवाड़, अनंतनाग है। तो जिन्होंने भैया इस क्वेश्चन का आंसर सी यानी किश्तवाड़ दे दिया है तो वो यहां पर विजेता और इनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और जम्मू काश्मीर में भैया सबसे पहली बार ऐसा हुआ एक दशक में कि विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा हमें मतदान यहां पर देखने मिला, जिसमें 90 में 24 निर्वाचन क्षेत्रों में यह मतदान फिलहाल यहां पर हुआ है, जिसमें कश्मीर के अंतर्गत 16 और जम्मू में 8 निर्वाचन क्षेत्र यहां पर शामिल थे और यहां पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भैया यहां पर मतदान भी फिलहाल किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 58% मतदान के बाद में यह हमें दोस्तों फिलहाल डेटा एक देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि 35 वर्षों में दोस्तों फिलहाल सबसे अधिक मतदान देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक मतदान में दोस्तों किश्तवाड़ के पद्दर नगसेनी का नाम दोस्तों में 80% के साथ में देखने मिलता है, जबकि सबसे कम जो मतदान है ये पुलवामा के त्राल में लगभग 43% के आसपास यहां पर देखने को मिलता है। जबकि हम जम्मू काश्मीर की बात करेंगे तो 1987 में सबसे अधिक वोटिंग हुई थी, जो कि लगभग 75% दोस्तों हमें देखने को यहां पर मिली थी। चलिएगा भैया, तो समय आ चुका है, आपके इंतजार यहां पर आपका समाप्त हो रहा है और कॉमेंट ऑफ द डे में दोस्तों देखते हैं फिलहाल किनका कमेंट हमें यहां पर देखने मिलता है। भर भर कर भैया कमेंट आते हैं और आप सभी लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जो आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, जो भी होमवर्क का टास्क मिलता है उसके आंसर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से और ईमानदारी से देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों याद रखना, आज भी जो आपको होमवर्क मिलेगा उसके आंसर भी इसी ईमानदारी से आपको यहां पर देना है। तो कॉमेंट ऑफ द डे में भैया यहां पर नाम किनका आता है, आलिसा शेख का नाम आता है। और लेकिन उससे पहले कमेंट में जाने से पहले आप यहां पर मुझे ये बताइएगा, जो आपको ये फोटो दिख रही है, जो आपको फोटो दिख रही है तो आप मुझे बताइएगा ये जो फोटो है ये फिलहाल दोस्तों हमें किस किले की यहां पर देखने को मिल रही है, एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग यहां पर फिलहाल बताइएगा। इसकी लोकेशन कहां पर है ये भी आप लोग यहां पर दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आलिसा शेख की, तो इन्होंने बोला है कि ना हो करंट अफेयर्स को लेकर निराश, कि ना हो करंट अफेयर्स को लेकर निराश क्योंकि आशीष सर हैं तेरे साथ, नेशनल इंटरनेशनल हर न्यूज को
करते हैं कवर जिससे है एमपीपीएससी बेखबर। क्या बात है, है ना, नेशनल इंटरनेशनल हर न्यूज को करते हैं कवर जिससे है एमपीपीएससी भी बेखबर। रिवीजन और प्रैक्टिस कर एक दिन तू भी बन जाएगा ऑफिसर। क्या बात है भैया। तो फिलहाल इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस लाइन को यहां पर शेयर किया है। तो आज का भैया पोहा जलेबी जो प्लेट है वो आलिशा के नाम पर यहां पर जाता है। चलिएगा, बहुत शानदार, ठीक है। हां, आप सभी लोग आंसर किया करो, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर भैया जरूर यहां पर आना चाहिए। समझ में आ रही बात भैया? चलो एक बार सभी लोग बता देना कि यस सर। बहुत शानदार, चलिएगा। तो जब तक आप सभी लोग ये फोटो देखकर पहचानिएगा और बताइएगा कि ये फोटो आपको किस क्षेत्र से, किस लोकेशन से देखने को मिल रही है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश है जो फिलहाल 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी यहां पर करने वाला है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करें तो फिलहाल 2026 में हमें किसका नाम देखने को मिला था? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन फिलहाल अब इसके बाद में 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल है इनकी मेजबानी यहां पर कौन करने वाला है ये आपको यहां पर फिलहाल बताना है, जिसमें कैनेडा है, स्कॉटलैंड है, न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका का नाम दोस्तों हमें देखने को यहां पर मिल जाता है। तो जिन्होंने दोस्तों यहां पर आंसर क्या दिया है, स्कॉटलैंड दिया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो स्कॉटलैंड दोस्तों अपनी सरकार के समर्थन से ग्लासगो में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यहां पर करने जा रहा है। तो किसका नाम आएगा दोस्तों यहां पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड का नाम आपको फिलहाल यहां पर याद रखना है। एक बार आप सभी लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि जो पहले राष्ट्रमंडल खेल है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था, जो कि कई बार एग्जाम पूछा जाता है, जिसमें ईयर आपको 1930 का यहां पर दोस्तों जरूर याद रखना है, ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट करके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर यहां पर फिलहाल दीजिएगा, ठीक है। तो हर चार साल में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य खेल, जहां पर ब्रिटिश एम्पायर जिन देशों में देखने को मिला, तो वो दोस्तों जो देश हैं वो फिलहाल हमें कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंबर के रूप में देखने को भी मिल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग मुझे ये आंसर फटाफट यहां पर दे दें और इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने दोस्तों ऑप्शन यहां पर बी दिया है उनका जवाब यहां पर भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार सभी लोग बता देना कि यस सर, बिल्कुल चीजें यहां तक हमने नोट डाउन कर ली है, लिख ली है और हमको बिल्कुल यहां पर समय मिल पा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो 2026 में तो आपको यहां पर ग्लासगो स्कॉटलैंड का नाम याद रखना है और जब मैं 1930 की बात करता हूं तो यहां पर हैमिल्टन कैनेडा का नाम दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि 2022 में आप सभी को पता है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम थे इनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम कहां पर है? तो इसका नाम दोस्तों में इंग्लैंड के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात करें, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें, तो भारत ने कितने मेडल यहां पर फिलहाल प्राप्त किए? 4, 5, 6 और 7। और ये जो आपके सामने यहां पर फोटो दिख रही है, ये फोटो दोस्तों किनकी यहां पर दिखाई दे रही, कौन किस खिलाड़ी की यहां पर आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये भी आंसर आप दोस्तों यहां पर कॉमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे तो भारत ने 6 मेडल दोस्तों यहां पर फिलहाल जीते हैं। तो जिन्होंने आंसर दोस्तों यहां पर क्या दिया, 6 दिया है, उनका जवाब दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो भारतीय भारोत्तोलक यानी वेटलिफ्टिंग की बात करें तो फिजी के सुआ में इसका आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रमंडल में युवा, जूनियर और सीनियर, पुरुष और महिला भारोत्तोलन की बात करें तो इसमें भारत के खाते पर दोस्तों 6 मेडल हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक नाम वल्लूरी अजय बाबू का 81 किलोग्राम जूनियर पुरुष वर्ग में दोस्तों गोल्ड मेडल विजेता के तौर पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया दोस्तों क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में, इनका एक राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड भी हमें यहां पर दोस्तों देखने को फिलहाल मिल जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिएगा भैया आगे बढ़े ना,
लिख पा रहे हो सभी लोग, एक बार मुझे कमेंट करके बताते भी चलना, चलिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस संगठन ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को, यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करूंगा तो पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड पैरा आर्चर्स शीतल देवी एंड राकेश कुमार एज नेशनल आइकन्स फॉर पीडब्ल्यूडी? युवा मामले खेल मंत्रालय है, राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी है, भारत निर्वाचन आयोग है और भारतीय तीरंदाजी महासंघ का नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। और मैं चाहूंगा थोड़ा रफ्तार बढ़ाओ और आंसर आप सभी लोग दोस्तों यहां पर दे देना। जब मैं पर्सन विद यहां पर डिसेबिलिटीज की बात करता हूं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता हूं, तो इसके लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहां पर चुना गया है। तो इसमें दोस्तों दो नाम आपको याद रखना है, शीतल देवी और राकेश कुमार का नाम दोस्तों आर्चरी में एक विशेष एथलीट के तौर पे हमें यहां पर देख मिल जाता है। और इसमें दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का नाम आता है, जिन्होंने इनको दोस्तों फिलहाल यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। तो क्या नाम आएगा भैया, जम्मू कश्मीर से भारतीय पैरा तीरंदाज में शीतल देवी का नाम दोस्तों, राकेश कुमार का नाम आता है, जो कि मतदाता जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग के जो विकलांग व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति हैं दोस्तों, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर इनको यहां पर चुना गया है। और इनका नाम दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस फ्रांस में आयोजित 2024 के पैरालंपिक में तीरंदाजी में दोस्तों जो मिक्स टीम इवेंट हुआ था, इसमें ये कौन सा मेडल लेकर आए थे, तो ब्रॉन्ज मेडल विजेता के तौर पे दोस्तों हमें इनका नाम देखने मिला था। और यहां पर लगभग 1399 के स्कोर के साथ में एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी इनके दोस्तों नाम पर हमें देखने को मिला था। इससे पहले दोस्तों शीतल देवी को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहां पर घोषित किया था। और 17 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के तौर पे दोस्तों हमें इनका नाम आता है। और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, 2023 में। तो भैया शीतल देवी की बात करें तो उनके लिए एक बार सैल्यूट हो जाए। और कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोग जय हिंद जरूर टाइप कर देना दोस्तों, क्योंकि इतनी कम उम्र में यहां पर आप देख सकते हैं बिना बाजू के भी फिलहाल तो जज्बा है दोस्तों, जोश है वो यहां पर इनके अंदर बिल्कुल भी कम नहीं है। तो आप लोग के पास तो हर चीज है भैया, तो इसका मतलब आपको तो अब यहां पर मेहनत करनी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। समझ में आ रही बात भैया, चलिएगा। अगला क्वेश्चन 2024 का जो फॉर्मूला वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है, इसमें विजेता के तौर पे दोस्तों हमें किनका नाम देखने को मिलता है? शायद फोटो देखकर भी कुछ डेटा आपको यहां पर याद आ जाए, तो बता दो भैया फॉर्मूला वन रेस में यदि मैं यहां पर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करता हूं तो किनका नाम आएगा दोस्तों? तो यहां पर ऑस्कर पियास्त्री का नाम आपको फिलहाल यहां पर याद रखना है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया मैकलेरिन ड्राइवर के तौर पे, ऑस्कर पियास्त्री का नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया रेसिंग ड्राइवर के तौर पे दोस्तों बाकू अजरबैजान में फिलहाल दोस्तों बाकू सिटी सर्किट में जो फॉर्मूला वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसके विजेता के तौर पे यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। जबकि फेरारी से चार्ल्स लेक्लर का नाम आता है, या फिर दोस्तों हम यहां पर ये इनका नाम दूसरे स्थान पर, जबकि मर्सिडीज से दोस्तों नाम हमें जॉर्ज रसिल का देखने को यहां पर मिलता है, जो कि तीसरे स्थान पर यहां पर फिलहाल रहे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखना है। और ऑस्कर पियास्त्री की बात करें, जुलाई 2024 में हंगरी के अंतर्गत दोस्तों बुडापेस्ट की बात करें तो इसमें इनका नाम दोस्तों हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में अपनी पहली फॉर्मूला वन खिताब जीत के तौर पे इनका नाम हमें देखने को यहां पर मिला था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सभी लोग इस क्वेश्चन का फटाफट यहां पर आंसर देंगे। तो अभी आपको पता था भैया, पता होगा कि मध्य प्रदेश में महामहिम है ना, द्रौपदी मुर्मू का आगमन देखने को मिला था मध्य प्रदेश में, और उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों सफाई मित्र सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें हमें डेट 19 सितंबर 2024 की देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन में ही सफाई मित्र सम्मेलन में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर भाग लिया गया था। और इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के हिस्से में, ये दोस्तों प्रोग्राम भी हमें देखने को मिला था, जिसमें स्वच्छता ही सेवा 2024
2024 के अंतर्गत जो थीम था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये हमें इसकी थीम भी देखने को मिली थी। तो भैया क्या आप लोग भी साफ सफाई में आगे हो या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर बिल्कुल हम भी सफाई में यहां पर कहीं ना कहीं आगे, और आपके ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि पूरा घर आपको साफ करना है। यदि आप दोस्तों कहीं आसपास या कोई गंदगी देखते हैं ना, कचरा देखते हैं, तो उसके एटलीस्ट आप यहां पर कुछ श्रमिक करना चाहें, कुछ श्रमदान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। घर के अंदर थोड़ा बहुत सफाई करना चाहे, अपने रूम की भी सफाई आपने कर दी तो भी कहीं ना कहीं बहुत यहां पर बेहतर। तो एक बार सभी लोग बताना कि जो लोग सफाई में बहुत ज्यादा यहां पर आगे हैं तो उनके लिए भी भैया एक बार सम्मान जरूर यहां पर बनता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने उत्तर प्रदेश हॉकी टीम को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहां पर जीत ली, जिसमें हॉकी केरला है, हॉकी हरियाणा है, हॉकी कर्नाटक है और हॉकी पंजाब का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। शायद इस टीम को देखकर कुछ चीज आपको यहां पर याद आ जाए, क्या ये नाम पंजाब से दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। एक बार सभी लोग आंसर फटाफट यहां पर कमेंट बॉक्स पे दोस्तों दे दें, क्योंकि इसके बाद में आपको यहां पर होमवर्क भी फिलहाल दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो फिलहाल दोस्तों हॉकी पंजाब की बात करें तो फाइनल में विजेता के तौर पे दोस्तों जिन्होंने आंसर यहां पर डी दिया उनका जवाब सही, और एक बार मुझे कमेंट करके बताना। यदि मैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की बात करता हूं तो इसका हमें हेड ऑफिस दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है, कमेंट करके बताइएगा। तो हॉकी पंजाब ने फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी को दोस्तों हराया है और 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता के तौर पर दोस्तों हॉकी पंजाब का नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप भैया ये डेटा आप यहां पर याद रखेंगे। और हॉकी हरियाणा ने हॉकी कर्नाटक को हराया और तीसरे स्थान पर हमें ये फिलहाल हॉकी हरियाणा का नाम देखने को मिलता है। चलिएगा, समय हो चुका है दोस्तों होमवर्क का, और जो स्टूडेंट होमवर्क के लिए फिलहाल डेली तैयार रहते हैं तो एक बार अटेंडेंस लगा दें और बता दें कि सर हम बिल्कुल होमवर्क के लिए यहां पर तैयार रहते हैं, और होमवर्क के जो विजेता होंगे उनके नाम कल की क्लास में यहां पर अनाउंस किए जाएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य रूपांकर कला पुरस्कार का जो संबंध है ये हमें किस राज्य से दोस्तों देखने को मिलता है, उत्तराखंड राजस्थान है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। जबकि अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 1 मार्च। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संजय सरोवर सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है, इसका संबंध हमें किस जिले से देखने को मिलता है, बालाघाट है, अनूपपुर है, नर्मदापुरम है या फिर खरगोन का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है ये कहां पर स्थापित की जाएगी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर का नाम हमें यहां पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दोस्तों हमें कौन से नंबर पर देखने को मिलता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या फिर चौथे स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में किस जिले में गांधी सागर अभ्यारण दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें इंदौर है, भोपाल है, मंदसौर है और ग्वालियर का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। और आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, समझा करो और इसके बाद में कॉमेंट बॉक्स पे आप लोग इन क्वेश्चन के जवाब दिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिस 2024 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भैया ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई भी मेडल नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ फॉर्मूला वन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और इंदौर मनमाड़, जो इंदौर मनमाड़ आपका रेलवे प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमने आज के सेशन में यहां पर पढ़ा है। तो होमवर्क के आंसर आप सभी लोग क्लास एंड होते ही कॉमेंट बॉक्स पर देंगे, और इसके अलावा देखते हैं फिलहाल आज के सेशन में कमेंट ऑफ द डे के रूप में किनका नाम देखने को मिलेगा, वो तो नेक्स्ट सेशन में ही आपको पता चलने वाला है। चलिएगा भैया, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।